नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। एक बाहुबली की रिहाई के लिए नियम बदलने पर नीतीश कुमार की खूब आलोचना हो रही है। जहां JDU और RJD कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं BJP दो धड़ों में नजर आ रही है। केंद्रीय नेता कुछ और कह रहे हैं और प्रदेश के नेता कुछ और। जिस DM जी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन को फांसी हुई थी, उनकी पत्नी ने भी नीतीश सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। IAS एसोसिएशन ने भी नाराजगी जताते हुए सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस बीच एक बार फिर बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि आनंद मोहन एक लौते ऐसे बाहुबली हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया में आने के बाद राजनीति का रास्ता पकड़ा। इस फहरिस्त में अनंत सिंह, सूरभान सिंह, शहाबुद्दीन से लेकर दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनकी गिनती बिहार के कुख्यात बाहुबलियों में होती है। आज के इस वीडियो में हम बिहार के कुछ ऐसे ही बाहुबलियों की बात करेंगे जिन्होंने जरायम की दुनिया में आने के बाद राजनीति का चोला पहन लिया और अपने इलाकों में उनकी तूती बोलती है। बात सबसे पहले आनंद मोहन की कर लेते हैं। 90 के दशक में आनंद मोहन बिहार के जरायम की दुनिया में सबसे खूंखार नाम था। हत्या, अपहरण और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज थे। कोसी के इलाके में आनंद मोहन की तूती बोलती थी। कहा जाता है कि आनंद मोहन की अपनी प्राइवेट आर्मी थी जो आरक्षण समर्थकों को चुन चुन कर मारती थी। आनंद मोहन को तुरंत एहसास हो गया था कि पुलिस से बचने का एक ही तरीका है कि नेता बन जाए। लिहाजा आनंद मोहन जनता दल में शामिल हो गए और पहले विधायक और फिर सांसद बने। साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की हत्या हो गई। आरोप आनंद मोहन पर लगे तो जेल जाना पड़ा। हालांकि जेल से भी आनंद मोहन की गुंडाई और राजनीति दोनों चलती रही। 2007 में पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। हालांकि 2008 में फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। सजा पूरी होने के बाद भी एक सरकारी अधिकारी की हत्या के चलते जेल से बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। नीतीश कुमार ने नियम बदलकर रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। अब बात सिवान के साहेब मोहम्मद शहाबुद्दीन की। वो 90 का दौर था जब बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरते थे। इस वक्त सिवान से शहाबुद्दीन का आतंक था। आम जनता तो छोड़िए, पुलिस, बड़े अधिकारी और नेता सब शहाबुद्दीन से खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना सिवान में पत्ता तक नहीं हिल सकता था। महज 19 साल की उम्र में पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ और फिर तो शहाबुद्दीन क्राइम की दुनिया के बेतहाज बादशाह बनता चला गया। बहुत जल्द पुलिस ने हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। अपराध की लिस्ट लंबी हुई तो शहाबुद्दीन ने राजनीति में एंट्री ले ली और निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गए। अब राजनीति के साथ साथ क्राइम में इस बाहुबली का ग्राफ बढ़ता चला गया। धीरे धीरे शहाबुद्दीन लालू यादव के करीब आए और फिर सबसे खास बन गए। साल 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला की हत्या में शहाबुद्दीन का नाम आया। बाद में इस हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई। दो बार विधायक और 3 बार सांसद रहा सिवान का ये बाहुबली। जेल से भी अपने अपराध का कारोबार चलाता रहा। जेल में रहकर 2004 का लोकसभा चुनाव भी जीता। साल 2004 में शहाबुद्दीन और उसके लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसने ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिवान के ही एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों को शहाबुद्दीन के गुर्गों ने अगवा कर लिया। 2 बेटों सतीश और गिरीश को तेजाब से नहला दिया और फिर गोली मार दी। 3रा बेटा राजीव वहां से भागने में कामयाब रहा। राजीव अपने 2 भाइयों की निर्मम हत्या का इकलौता गवाह था। साल 2015 में अदालत में बयान दर्ज कराने से 2 दिन पहले उसकी हत्या हो गई। एक बार पुलिस की छापेमारी में शहाबुद्दीन के पाकिस्तानी कनेक्शन के भी सबूत मिले। 2009 लोकसभा चुनाव के वक्त कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। साल 2021 में बिहार का ये जवान कोरोना की चपेट में आ गया और दिल्ली एम्स में इसकी मौत हो गई। अब बात बिहार के छोटे सरकार और मोकामा के जवान कहे जाने वाले अनंत सिंह की। एक समय में अनंत सिंह नीतीश कुमार के सबसे खासम खास थे। जब सुशासन की छवि वाले नीतीश कुमार बिहार के तमाम बाहुबलियों पर
शिकंजा कस रहे थे तब अनंत सिंह उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तोलने वाले भी अनंत सिंह ही थे। कहा जाता है कि बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या के बाद अनंत सिंह ने बदला लेने के लिए अपराध का रास्ता चुना और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हुए। साल 2004 में बिहार पुलिस के एसटीएफ ने बाढ़ के लदमा स्थित अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की। इस दौरान दोनों ओर से घंटों फायरिंग हुई। एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग मारे गए। हालांकि अनंत सिंह वहां से भाग निकले। अपराध की दुनिया में झंडा गाड़ने के बाद अनंत ने राजनीति का रुख किया। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीब आए और फिर 2005 में मोकामा से विधायक बन गए। साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या में इस बाहुबली का नाम आया। जब एक बड़े चैनल से जुड़े पत्रकार ने अनंत सिंह से इस पर सवाल पूछे तो उनके समर्थकों ने उस रिपोर्टर और कैमरामैन को अपने घर में घंटों तक बंधक बना लिया। अनंत सिंह हमेशा लालू यादव के खिलाफ बोलते रहे। साल 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी साथ आई तो अनंत सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नीतीश ने अनंत सिंह से पल्ला झाड़ लिया और टिकट काट दिया। अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और तीसरी बार विधायक बन गए। बाद में अनंत सिंह के लोगों ने 4 लड़कों को बाढ़ बाजार से उठा लिया, एक ही हत्या कर दी, जबकि 3 को अधमरा कर छोड़ दिया। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा। 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त अनंत सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया और लगातार 4 बार मोकामा में विधानसभा पहुंचे। साल 2019 में अनंत सिंह के पैतृक घर पर छापेमारी हुई। उसमें से AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार मिले। UPA के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और अनंत सिंह को 10 साल की सजा हो गई। सजा हुई तो विधायकी भी चली गई। बाद में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव मैदान में उतारा और फिर मोकामा में अनंत सिंह का डंका बजा। कहा जाता है कि अनंत सिंह जेल में हो या बाहर, किसी दल में हो या निर्दलीय, मोकामा में एक ही नाम गूंजता है और वो नाम है अनंत सिंह। मोकामा में ही बिहार के एक और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का उदय हुआ। एक मामूली परिवार का लड़का पढ़ने लिखने की उम्र में अपराध की दुनिया में आ गया। छोटे मोटे अपराध से रंगदारी, लूट, अपहरण और हत्या जैसे बड़े अपराध तक पहुंचने में सूरजभान ने बहुत देरी नहीं की। क्राइम की दुनिया में अनंत सिंह के बड़े भाई और बाहुबली दिलीप सिंह सूरजभान के गुरु थे। कहा जाता है कि अपने छोटे बेटे को जुर्म की दुनिया में समाता देख सूरजभान के पिता ने शर्मिंदगी के चलते गंगा में छलांग लगाकर जान दे दी। कुछ दिनों बाद CRPF में तैनात उनके बड़े भाई ने भी खुदकुशी कर ली, लेकिन सूरजभान पर इसका कोई असर नहीं हुआ और क्राइम की दुनिया में उनका कद बढ़ता चला गया। साल 1992 में बेगूसराय की रामी सिंह की हत्या के मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जून 1998 में राबड़ी सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। इस हत्याकांड में भी सूरजभान का नाम आया। आजीवन कारावास की सजा हुई और फिर बरी कर दिया गया। साल 2000 में सूरजभान ने अपने गुरु और बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ मोकामा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच गए। 2004 में रामविलास पासवान ने उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी से लोकसभा का टिकट दिया और सूरजभान सांसद बन गए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज भी ये नाम लगातार सुर्खियों में बना रहता है। मुश्किलों में फंसा हर बिहारी पप्पू यादव को मसीहा के तौर पर देखता है। चाहे पटना का बाढ़ हो या कोई और मुसीबत, पप्पू यादव हमेशा लोगों की मदद के लिए जी जान से तैयार मिलते हैं। लेकिन रॉबिनहुड की छवि वाले इस नेता का अतीत भी दागदार रहा है। दिल्ली से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर बिहार लौटे पप्पू यादव ने बाहुबली बनने का सपना पूरा कर लिया। बहुत कम समय में अपने गृह जिले पूर्णिया से पप्पू का सिक्का चलने लगा। 1990 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन गए और फिर 1991 में निर्दलीय लड़कर ही संसद पहुंच गए। पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ने के साथ साथ पप्पू यादव का क्राइम ग्राफ बढ़ता चला गया। कोसी के इलाके में वर्चस्व के लिए पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच खूब खून खराबा हुआ। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 3 बार निर्दलीय सांसद बनने के बाद पप्पू लालू यादव के खास बने और आरजेडी के टिकट पर 2 बार और संसद पहुंचे। साल 1998 में माकपा नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में पप्पू यादव का नाम आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
2008 में सीबीआई की विशेष अदालत में उन पर दोष साबित हुआ और उम्र कैद की सजा हुई। साल 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। पप्पू यादव लगातार 12 साल तक जेल में रहे और जब बाहर आए तो इस बाहुबली ने अपनी छवि ही बदल दी। इस लिस्ट में रामा किशोर सिंह, प्रभुनाथ सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे, राजन तिवारी जैसे दर्जनों नाम हैं जिनकी क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।